सवा लाख की ठगी के मामले में तीन गिरफ्तार। गंज थाना पुलिस ने किया जयपुर के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी चल रहा है फरार। गंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मोबाइल फोन पर खुद को पाली पुलिस अधीक्षक बताकर चंद्रशेखर नाम के एक व्यापारी से 1.25 लाख की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवक को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक जयपुर के रहने वाले हैं। गंज थाना पुलिस ने अपना जाल बिछाकर अनुराग शर्मा, आकाश सैनी और साहिल त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामले के अनुसार मुख्य आरोपी ने व्यापारी चंद्रशेखर को फोन करके रुपए की मदद मांगी थी। उसने चंद्रशेखर के बैंक अकाउंट नंबर दिए थे। इनमें से दो अकाउंट जयपुर के PNB और SBI बैंक के थे। पुलिस ने दोनों अकाउंट नंबर के खाता धारकों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि अनुराग शर्मा नाम के अन्य युवक ने उनसे बैंक अकाउंट नंबर मांगा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुराग शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना गंज पर दिनांक 2/11 को प्रार्थी चंद्रशेखर राठौर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके फोन पर 23/10/17 को किसी व्यक्ति ने फोन किया और बताया कि वह पुलिस अधीक्षक पाली बोल रहा है और अपनी मजबूरी बताकर उसने 2-3 अकाउंट नंबर दिए और उन अकाउंट नंबर्स में पैसे डलवाने के लिए कहा। तब प्रार्थी व्यस्त था तो उसने अपने मुनीम को पैसे डलवाने के लिए खाता नंबर दिए और वो नंबर भी दिए जिन नंबर से फ़ोन आया था और इस तरीके से उसने उस दिन मुलजिम के खाते में लगभग 1.25 लाख रुपए जमा करा दिए थे। जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो उन खाताधारकों के संबंध में अनुसंधान किया गया व टेलीफोन नंबर के बारे में भी मालूम की गई तो वो जो खाते हैं PNB के और SBI के कुल 4-5 खाते थे जिनमें पैसे डलवाए गए थे। तो जयपुर PNB और जयपुर SBI जाकर मालूम की गई तो उसमें 50,000 रुपये दो खातों में जमा हुए थे, जिसमें एक खाताधारक का नाम तो आकाश सैनी है जो स्वर्णपथ मानसरोवर का रहने वाला है और दूसरा खाताधारक जो है वो साहिल त्रिवेदी है, वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को डिटेन कर इनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि साहिल त्रिवेदी का एक दोस्त है अनुराग शर्मा, उसके कहने पर उसने ये खाताधारक जो है इन्होंने अपने नंबर अनुराग शर्मा को दिए थे और अनुराग शर्मा ने वो खाता नंबर जो तीसरा आदमी है जो ये ऑपरेट कर रहा था सिस्टम को उसको दिए थे। उनके कहने पर ये पैसे डलवाए थे और जो पैसे प्रार्थी ने डलवा दिए थे जो मोबाइल नंबर है अज्ञात मोबाइल नंबर जिसका नंबर है लेकिन अभी उसका नाम पता ज्ञात नहीं हुआ है, उसने वो अनुराग शर्मा के माध्यम से पैसे निकला कर उसके कहे अनुसार थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए थे। तो अभी जो नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को जो खाता नंबर प्रोवाइड कराए थे अनुराग शर्मा और दो खाताधारक जिनके खातों में पैसे आए थे साहिल और आकाश, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे फर्दर अनुसंधान जारी है और मोबाइल नंबर जिससे फ़ोन आए थे उनके बारे में भी अनुसंधान किया जाना शेष है। सर, क्या इनका पहला भी कुछ इस तरह का मामला आया है कि इन्होंने पहले भी कुछ इस तरह की फ्रॉड किया? नहीं, अभी ऐसा नहीं आया है। और अनुराग शर्मा जिसको हमने गिरफ्तार किया है इसके विरुद्ध मानसरोवर थाने में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है, 2 मारपीट के मुकदमे दर्ज है और इसके विरुद्ध 151 भी कार्रवाई थाने में हो रखी है। क्या स्टूडेंट है क्या ये? नहीं, स्टूडेंट नहीं है ये सभी। ये अनुराग तो पूर्व में जेल जा चुका है और छोटा मोटा कोई ऑटो पे काम करता है और अभी ये फ्री है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्य ये नहीं कर रहे हैं। सर, इस व्यापारी को ही मोटिव अपना बनाया, इन्होंने टारगेट बनाया क्या कोई व्यापारी से? डायरेक्ट जो ये तीन पकड़े हैं इनका भी कोई संबंध सामने नहीं आया है। व्यापारी ने को जो संपर्क किया गया था वो व्यक्ति जो मोबाइल धारक है उसके संबंध में इंफॉर्मेशन और अनुसंधान बाकी है, उसी से अनुसंधान करने पर यह ज्ञात होगा कि हमारे मुकदमे के जो प्रार्थी हैं चंद्रशेखर जी उन्हीं को क्यों फोन किया। ठीक है।